अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको विजिट करवाने वाला हूँ प्रिसेंट 10 का एक विला। प्रिसेंट 10 की पहले मैं ओवरऑल की सराउंडिंग बता दूँगी। ये प्रिसेंट 10 ए के अंदर बहरिया टाउन ने 200 स्क्वायर यार्ड ग्राउंड प्लस 1 के अंदर विला बनाए हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये विले पूरे ही आबाद हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 70-80% यहाँ पे लोगों के अंदर लोग आ चुके हैं, और सराउंडिंग में इसके मस्जिद एक्टिव हो चुकी है, डिपार्टमेंटल स्टोर बन चुका है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले जी ये इसका कारपोर्च दिया हुआ है, जहाँ पे छोटी दो गाड़ियाँ, अगर बड़ी गाड़ी है तो वो एक गाड़ी आ सकती है। यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक की स्पेस है। हमारे राइट साइड के ऊपर एक छोटा गार्डन दिया हुआ है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और मेन एंटर होते ही इसके ड्राइंग और डाइनिंग दो बहरे टाउन के बीच में एक पिलर आया हुआ है। आप चाहें तो इसको बायफर्केट करके इस एक साइड अपने ड्राइंग रूम और एक डाइनिंग रूम कर सकते हैं, बट एक बहुत बड़ा एक एरिया है। ऑलमोस्ट ये कोई 25x12 का एरिया है, यानी 25 फुट की इसकी लेंथ है और 12 फुट की इसकी वेड्थ है। सो अगर आप लोग चाहें तो इसके बीच में पार्टीशन करके इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा लिविंग एरिया है। यहाँ पे इन्होंने एक विंडो भी दी हुई है, जहाँ से आपको बाहर का व्यू भी मिलता है। इस जगह के ऊपर अपना गार्डन बना सकते हैं, और बड़ा अच्छा आपको व्यू मिलता है यहाँ से। ओके जी, इससे आगे आके ये हमारे पास जी एक मास्टर बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ग्राउंड फ्लोर पे इस पे एक ही मास्टर बेडरूम है, और ऊपर दो बेडरूम है, जिसके साथ ही इस जगह के ऊपर ही आपको वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी जाती है। और यहाँ पे इन्होंने कंबर्ड का एरिया भी बहरे टाउन ने बनाया हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं, ये बना हुआ मिलेगा आपको। इसी के साथ ही अटैच वॉशरूम है, इसकी तकरीबन 7x5 की इसका एरिया है। और ये जिस हम रूम में खड़े हुए हैं, ये 15x13 का ये रूम है। सो एक अच्छा मास्टर बेडरूम है आपको। सो ग्राउंड फ्लोर पर जैसे मैंने कहा कि भाई एक ही बेडरूम मिलेगा, और साथ ही हमें यहाँ पे इसका एक किचन है। ये इसका किचन, जिसके अंदर बहरे की तरफ से आपको ये कवर्ड बने मिलेंगे, सारे सिंक लगा मिलेगा। इस जगह के ऊपर ये विंडो आती है, और ये जितने भी कवर्ड हैं सारे लगे हुए हैं। और इस एरिए में आप अपना चूल्हा या ओवन या जिसमें एग्जॉस्ट लगा के चिमनी बना सकते हैं, ये बना लें। यहाँ पे जी बहरिया ने एक बाहर का रास्ता दिया हुआ है कि डायरेक्ट यहाँ से आप बाहर की तरफ, जो घर के चारों तरफ आपकी 3 फुट की गैलरी है, सो उस गैलरी में इस डोर से आप एक्सेस है। सो आपका अगर किचन के अंदर ऑफिस कोई भी बंदा काम करने वाला है, सो वो इस डोर से डायरेक्ट बाहर की गेट पर एक्सेस कर सकता है, उसको घर की प्राइवेसी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। सो जी नीचे वाला फ्लोर क्लियर हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक ड्राइंग रूम है और डाइनिंग रूम है और एक बेडरूम और किचन, दैट्स इट। सो जी ये हम ऊपर इसकी सीढ़ियाँ हैं। सो ये रेलिंग लगी हुई मिलेगी आपको बैरियर की तरफ से। सेकंड के दो यहाँ पे विंडोज़ हैं, और ऑलमोस्ट 5x8 का इनका एरिया है दोनों विंडोज़ का। और यहाँ पे आपका टेरेस है, दो टेरेस बने हुए। एक ये थोड़ा सा अपर एरिया है, क्योंकि इस जो आपका सीटिंग एरिया यहाँ से इसका व्यू देगा। सेकंड ये 3 फुट की थोड़ी सी डाउन है, और यहाँ पे ये आपके ये दो जो है ना वो टेरेस एरिया आएंगे। यहाँ से व्यू आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिलेगा, क्योंकि बहरे टाउन के अंदर अभी लोग शिफ्ट हो चुके हैं। सो पहले स्टार्टिंग में, जब आज से 5-6 साल पहले बहरिया में यहाँ पे लोग आते हुए डर रहे थे, क्योंकि आबादी नहीं थी, लोग नहीं थे। बट ये है कि अभी आप अगर अपनी टेरेस से बाहर देखें तो आपको गाड़ियाँ, बच्चे, लोग और बाकी सारी एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी। ओके जी, अंदर आते हैं हम जी। ये सिटिंग एरिया है, कॉमन एरिया है। ये हमारा जी 2 बेडरूम है ऊपर। ये पहला बेडरूम विद अटैच वॉश। ओके जी, इस बेडरूम का साइज भी 12x13, और ये हमारा 5x9 का वॉशरूम है, जिसके अंदर आपको ये बेसन और ये जितने भी सामान इस वक्त आपको दिख रहा है, ये सारा कुछ आपको बहरी की तरफ से लगा हुआ मिलेगा। ओके जी, ये फर्स्ट बेडरूम के बाद ये हमारा सामने सेकंड बेडरूम है। और इस बेडरूम से पहले आपको इस साइड के ऊपर ये 4x6 का एक छोटा सा स्टोर रूम मिलेगा, जिसमें आप जो भी स्टोर करना चाहें कर सकते हैं। ये हमारा जी अगेन सेकंड बेडरूम विद अटैच वॉश। तो जितने भी बेडरूम है, यानी ये 3 बेडरूम है, नीचे एक मास्टर बेडरूम है, और ऊपर मेरे राइट और लेफ्ट के ऊपर ये 2 बेडरूम है, तीनों के तीनों बेडरूम विद अटैच वॉश। और पूरे घर में जहाँ भी बेडरूम है, आपको इस तरह की कबर्ड बनी हुई मिलेगी। सो जी ये है प्रिसेंट 10 के अंदर 200 स्क्वायर यार्ड के विलास, और प्रिसेंट 10 के अंदर भी हैं और 11 के अंदर भी विलास हैं। सो अगर इस तरह की आपको विलास में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर स्क्रीन पे मिल जाएंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।